गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में आप बात करूंगा कि कैमेन प्रोफाइल कैसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, इससे पहले भी मैंने दो वीडियो बनाए हैं कैमेन प्रोफाइल के ऊपर, कैमेन प्रोफाइल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, एक आपका नाइफ एज फॉलोअर के केस में और दूसरा हमारा रोलर फॉलोअर के केस में। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं अभी बताऊंगा कैसे क्या डिफरेंट है इसमें। क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ द प्रोफाइल ऑफ द कैम ऑपरेटिंग ए रोलर रेसिप्रोकेटिंग फॉलोअर विद द फॉलोइंग डेटा। मिनिमम रेडियस ऑफ द कैम एज 25 mm, कैम का जो मिनिमम रेडियस है वो 25 mm है। लेफ्ट ऑफ द फॉलोअर इज 30 mm, रोलर डायमीटर इज 10 mm, द कैम लेफ्ट ऑफ द फॉलोअर बाई 120 degree ऑफ विद द सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉलोड बाई द ड्वेल पीरियड ऑफ 30 degree, द फॉलोअर लोअर डाउन ड्यूरिंग द 150 degree ऑफ कैम रोटेशन विद द यूनिफॉर्म एसिलरेशन एंड डी एसिलरेशन फॉलोड बाई द ड्वेल पीरियड। इफ द कैम रोटेट्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 150 rpm, कैलकुलेट द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड एसिलरेशन बार द फॉलोअर डिसेंट पीरियड। ओके, यहाँ पर जो सबसे पहले नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ पर जो हमारा फॉलोअर का मोशन हो रहा है, जब आपका फॉलोअर राइज कर रहा है और जब आपका फॉलोअर रिटर्न हो रहा है, यहाँ पर आप दो टाइप के मोशन देख रहे हैं। द कैम लिफ्ट द फॉलोअर बाई 120 degree विद सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका क्या मतलब है, जब हमारा फॉलोअर राइज कर रहा है उस समय जो मोशन है वो किस टाइप का हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसके बाद डोएल है आपका, नेक्स्ट जो आपका फॉलोअर लोअर डाउन ड्यूरिंग 150 degree ऑफ द कैम रोटेशन विद यूनिफॉर्म एसिलरेशन एंड डी एसिलरेशन। नेक्स्ट जब आपका फॉलोअर लोअर हो रहा है उस समय जो हमारा मोशन है वो है यूनिफॉर्म एसिलरेशन और डी एसिलरेशन। तो हमने दोनों केसेस में बात किया कि कैम प्रोफाइल आप कैसे ड्रॉ करें, जब आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन हो और दूसरे केस में जब आपका मोशन हो यूनिफॉर्म एसिलरेशन और रिटार्डेशन। लेकिन यहाँ जो पहले वाले हमने क्वेश्चन किए उसमें दोनों हाफ में मीन्स फॉलोअर राइज और फॉलोअर रिटर्न में मोशन आपका सेम था, लेकिन यहाँ पर दोनों केस में हमारा मोशन क्या है, डिफरेंट है। तो देखिए हम कैम प्रोफाइल कैसे ड्रॉ करेंगे। हमारा 120 degree फाई ए, 120 degree एंगल ऑफ एसेंट, ड्वेल पीरियड फाई डी इक्वल टू 30 degree, नेक्स्ट आपका 150 degree, 150 degree आपका हमारा दिया हुआ है फाई आर 150 degree। ओके, मैं पहले डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर हमारा लिफ्ट है 30 mm, 30 mm हमारा लिफ्ट मेंशन है। सो एच की वैल्यू 30 mm, एंगल में ले लेते, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, स्केलिंग करनी पड़ेगी और स्केलिंग के लिए ले लेता हूँ फॉर हॉरिजॉन्टल स्केल, हॉरिजॉन्टल मैं ले लेता हूँ आप ले लीजिए 20 degree इक्वल टू 1 cm, ज़्यादा आसान रहेगा, थोड़ा सा सही बनेगा। सो इसको आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 6 cm, 1.5 cm, और ये हो जाएगा हमारा 7.5 cm। सो मैं ड्रॉ करता हूँ, हॉरिजॉन्टल में आपको लेना है कैम रोटेशन एंगल, और कैम रोटेशन एंगल ये आपका 6 cm, 1.5 cm, और ये हो जाएगा 7.5 cm। सो टोटल अगर बात करें हम 6, 13, 14, 15 cm,
मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, फिफ्टीन सेंटीमीटर की। इसके बाद फर्स्ट सिक्स सेंटीमीटर, नेक्स्ट आपका 1.5 और नेक्स्ट हमारा रहेगा 15। ये रिप्रेजेंट करेगा आपका फाई ए, एंगल ऑफ एसेंट, फाई डी, एंगल ऑफ ड्वेल, एंड फाई आर, एंगल ऑफ रिटर्न। वर्टिकल में हमें लेना है फॉलोवर का डिस्प्लेसमेंट, फॉलोवर का डिस्प्लेसमेंट 30 mm है, तो मैं इसको 3 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। आपको 3 सेंटीमीटर लेना है, मैं थोड़ा क्लियरिटी देके इसके लिए ज़्यादा ले लेता हूँ। सो इस तरीके से हमें क्या करना है, एक रेक्टेंगल कंप्लीट कर लेना है। अब देखिए, जो हमारा फर्स्ट स्टॉप में मोशन है वो आपका किस टाइप का है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। फर्स्ट स्टॉप में जो मोशन है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सो हमें क्या करना होता है, पहले तो हम क्या करेंगे, जो हमारा एंगल ऑफ एसेंट है और एंगल ऑफ रिटर्न है, इसको 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 0 to 6 एंड 6 to 0। इसको आप 6 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। इनसे होते हुए वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 0। इनसे होते हुए मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूंगा। इसका मैं थोड़ा सा भी बाद में एक्सप्लेन करूँगा, पहले मैं इस फर्स्ट हाफ का बना के बताता हूँ। यहाँ पर जो मोशन है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में पता है जो भी हमारा फॉलोवर डिस्प्लेसमेंट होता है, ये आपकी एच की वैल्यू है, और एच कितना है आपका, एच इक्वल टू 30 mm। जितना भी आपका फॉलोवर डिस्प्लेसमेंट है उसको आपको हाफ पोर्शन, हाफ का पॉइंट ले लेना है। मीन्स 3 सेंटीमीटर होगा तो 1.5 लेंगे, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया हुआ है तो ये हो जाएगा। इसको सेंटर ज़ूम करके एक हम सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, और इस सेमी सर्कल को भी आपको 6 पार्ट में डिवाइड करना है। मीन्स पूरा एंगल आपका 180 डिग्री होगा, तो 30-30 डिग्री एंगल के फॉर्म में हम डिवाइड कर लेंगे, 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6। इसके बाद ये जो आपके पॉइंट मिल जाएंगे इनसे होते हुए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है हमें।
इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। दूसरे हाफ में जो मोशन है हमारा कांस्टेंट एसिलरेशन और डीएसिलरेशन है, मीन्स फर्स्ट हाफ में क्या होगा आपका ड्यूरिंग द रिटर्न उसके फर्स्ट हाफ में आपका एसिलरेट होगा, दूसरे हाफ में आपका रिटार्ड होगा। सो हमें क्या करना है, ये जो आपकी मिडिल वाली लाइन है इसको 6 पार्ट में डिवाइड करना है। ये जो आपके 6 पार्ट मिलेंगे 1 2 3 4 5 6, इनको इस तरीके से कॉर्नर से ज्वाइन कर देना है, यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ और इस साइड से नीचे से, यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ और इस साइड से ऐसे। मैं यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जो हमारे पॉइंट थे। ओके अब देखिए इनको मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर लेता हूँ, इसको इस तरीके से ज्वाइन भी कर देता हूँ। ये 30-30 डिग्री के एंगल के होंगे, इसके बाद देखिए वन की जो वर्टिकल लाइन है और वन का जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है आपका इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगा, टू की वर्टिकल लाइन, टू की हॉरिजॉन्टल लाइन, थ्री की वर्टिकल लाइन, थ्री की हॉरिजॉन्टल, फोर की वर्टिकल, फोर की हॉरिजॉन्टल, फाइव की वर्टिकल, फाइव की हॉरिजॉन्टल और सिक्स की वर्टिकल, सिक्स का हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर बात करें तो जो आपका सिक्स का आपका वर्टिकल लाइन है और ये डायगोनल है, यहाँ पर आपका इंटरसेक्ट होगा। फोर का जो आपका वर्टिकल लाइन है और ये आपका जो फर्स्ट डायगोनल है इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगा। फाइव की जो वर्टिकल लाइन है और ये फर्स्ट डायगोनल जिस यहाँ पर इंटरसेक्ट होगा, फोर की वर्टिकल लाइन और फोर का डायगोनल इस पॉइंट पर, थ्री की वर्टिकल लाइन, थ्री का डायगोनल, टू का वर्टिकल लाइन और ये जो डायगोनल है जीरो और टू का इस पॉइंट पर, और वन का जो आपका वर्टिकल लाइन है और वन का डायगोनल इस पॉइंट। इन सभी को हमें फ्री हैंड ज्वाइन करना है। ये बन जाएगा हमारा कैम्प्रोप डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। मैं यहाँ पर पॉइंट नोट कर देता हूँ जल्दी से। ये हमारा 1 डैश है, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, 6 डबल डैश, 5 डबल डैश, 4 डबल डैश, इसको 3 डबल डैश ले लीजिए चाहो तो, बाद में 2 डबल डैश और 1 डबल डैश। ओके नेक्स्ट स्टेप में हम ड्रॉ करेंगे इसका कैम प्रोफाइल। सो कैम प्रोफाइल के लिए आपको यहाँ पर चेक करना है कि जो हमारा फॉलोअर का कैम का जो आपका एंगल है, एंगल के साथ साथ यहाँ पर हमारा बेस सर्कल का रेडियस कितना है। सो मिनिमम रेडियस ऑफ कैम आपका मेंशन है 25 mm, और इसके अलावा हमें जो चाहिए वो चाहिए रोलर का डायमीटर। सो रोलर का डायमीटर आपका कितना है 10 mm। सो आर बी रेडियस ऑफ द बेस सर्कल इक्वल टू 25 mm, रेडियस ऑफ द रोलर इक्वल टू 10 mm डायमीटर है सो 5 mm हो जाएगा आपका। यहाँ पर कोई भी ऑफसेट डिस्टेंस नहीं मेंशन है जो हमारा फॉलोअर का, तो हम ये ज्यूम करेंगे कि जो हमारा फॉलोअर का लाइन जो हमारी सेंटर लाइन है वो कैम के सेंटर ऑफ रोटेशन से पास हो रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे।
इसको हम बेस सर्कल बोलते हैं, इसका ये सेंटर है। आप इस पॉइंट से ये हमारा सेंटर लाइन है और फॉलोअर का। इसके बाद दूसरा हम सर्कल ड्रॉ करेंगे और दूसरा सर्कल कौन सा होगा, इसको बोलते हैं बेस सर्कल, जिसका रेडियस होगा आपका 25 mm। इसके बाद हम दूसरा सर्कल ड्रॉ करेंगे और सर्कल कौन सा होगा हमारा, प्राइम सर्कल। आरपी ले लीजिए, प्राइम सर्कल इक्वल टू 25 + 5 mm इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 mm। एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे और उसका रेडियस होगा हमारा 30 mm का। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो हमारी रेडियस आ रही है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको सेंटर ज़ूम करना है और एक सर्कल ड्रॉ करना है। और सर्कल किसके इक्वल टू होगा आपका, रेडियस ऑफ रोलर के इक्वल टू, रोलर का रेडियस कितना आपका 5 mm। इस तरीके से हम एक रोलर फॉलोअर बना देंगे। अब जो हमारा फर्स्ट एंगल है वो कितना आपका 120 डिग्री, सेकंड आपका 30 डिग्री, नेक्स्ट आपका 150 डिग्री। सो इसको रेफरेंस लाइन मान के, कैम का जो हम फॉलोअर का जो हमारा सेंटर लाइन है इसको रेफरेंस लाइन मान के फर्स्ट एंगल 120 डिग्री, नेक्स्ट एंगल हमारा 30 डिग्री, एंड नेक्स्ट एंगल आएगा आपका 150 डिग्री। इस तरीके से आ जाएगा। सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा 120 डिग्री, नेक्स्ट है आपका 30 डिग्री, नेक्स्ट है हमारा 150 डिग्री, बाकी जो बचेगा वो आपका ड्वेल होगा। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको 6 पार्ट में डिवाइड करना है और इसको 6 पार्ट में डिवाइड करना है। ड्वेल को खाली छोड़ देना है, कुछ नहीं करना उसमें, इसको हम 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इस तरीके से आपको लाइन ज्वाइन कर देना है, इनको लाइन प्रोड्यूस करना है जो इन पॉइंट से पास होके जाएंगी। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये ड्वेल है, 6 5 4 3, के बाद हमें क्या करना है, जो आपके 1 2 1 2 6 और 6 2 1 पॉइंट मिल गए हैं, इनसे होते हुए हमें डिस्टेंस मार्क करनी है। और डिस्टेंस कौन सी, ये जो आपके वर्टिकल ऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। सो वन डिस्प्लेसमेंट डायग्राम से 1 और 1' की वर्टिकल डिस्टेंस लेंगे, इसके 1 पॉइंट से मार्क कर देंगे। 2 और 2' की वर्टिकल डिस्टेंस लेंगे, इसके 2 पॉइंट से मार्क कर देंगे। 3 और 3' की वर्टिकल डिस्टेंस के 3 पॉइंट से,
4 और 4 डैश की वर्टिकल डिस्टेंस इसके 4 पॉइंट से, 5 और 5 डैश की वर्टिकल डिस्टेंस इसके 5 पॉइंट से, 6 और 6 डैश की वर्टिकल डिस्टेंस इसके 6 पॉइंट से। ड्यूल को खाली छोड़ देना है, यहाँ से 6 और 6 डबल डैश की वर्टिकल डिस्टेंस लेना, इसके 6 पॉइंट से मार्क कर देना है। 5 और 5 डबल डैश की वर्टिकल डिस्टेंस लेना है, इसके 5 पॉइंट से मार्क कर देना है। 4 और 4 डैश की वर्टिकल डिस्टेंस लेना है, इसके 4 पॉइंट से मार्क कर देना है। 3 और 3 डैश, 2 और 2 डैश और 1 और 1 डैश, 0 का आपके। अब देखिए क्या करना है हमें, जो आपने पॉइंट मार्क किए हैं 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, 6 डबल डैश, 5 डबल डैश, 4 डबल डैश, 3 डबल डैश, 2 डबल डैश एंड 1 डबल डैश, इनके हर पॉइंट पर आपको सर्कल बनाना है और सर्कल का जो रेडियस होगा इक्वल टू द रेडियस ऑफ द रोलर। सो इस तरीके से आपका सर्कल आएंगे, आप चाहो तो हाफ सर्कल भी बना सकते हो। सर्कल बनाने के बाद इन सभी को फ्री हैंड आपको इनके टेंजेंट्स को ज्वाइन कर, ये बन जाएगा हमारा कैम प्रोफाइल। अब चाहो तो इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं पिच करो। और ये तो हमारा है, ये मैंने पहले ही बताया प्राइम सर्कल। ये आपका रोलर फॉलोवर है, नेक्स्ट स्टेप में आपको कैलकुलेट करना है मैक्सिमम हमें वेलोसिटी और एसिलेशन कैलकुलेट करना है ड्यूरिंग द एसेंट और रिटर्न। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर दोनों केसेस में, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ के केस में हमारा जो फॉलोअर मोशन प्रोग्राम है वो अलग अलग है। ये फॉलोअर मोशन प्रोग्राम पर सिंपल हार्मोनिक मोशन है और ये आपका यूनिफॉर्म एसिलेशन और रिटार्डेशन। तो उन दोनों केसेस में आपके फॉर्मूले भी क्या होंगे, आपके डिफरेंट होंगे। ड्यूरिंग द एसेंट आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन का फॉर्मूला रहेगा और ड्यूरिंग द रिटर्न हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा कॉन्स्टेंट एसिलेशन और रिटार्डेशन का। सो मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करें सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए वो होती है आपकी 2h ओमेगा डिवाइड बाई फाई, और क्योंकि हम एसेंट एंगल ले रहे हैं तो हमारा हमें केवल डिसेंट पीरियड के लिए कैलकुलेट करना है। सो हमारा आएगा फाई डी, फाई आर ले लीजिए रिटर्न एंगल, रिटर्न एंगल के लिए, रिटर्न के लिए कैलकुलेट करना है तो हमारा आएगा फाई आर। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई एच का वैल्यू हमारा 30 mm है, 30 मल्टीप्लाइड बाई आरपीएम गिवन है तो ओमेगा कैलकुलेट कर लेंगे, 150 आरपीएम है ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सो ये होगी आपकी 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 150 डिवाइड बाई 60 डिवाइड बाई एंगल ऑफ रिटर्न हमारा कितना है 150 डिग्री। सो 150 मल्टीप्लाइड बाई पाई डिवाइड बाई
180. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 360 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारा एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है। सो एक्सीलरेशन का जो हमारा फॉर्मूला होता है एफ मैक्स वेलोसिटी मैक्स ड्यूरिंग द रिटर्न था, एफ मैक्स ड्यूरिंग द रिटर्न हमारा 4h ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई पाई आर का स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 4h की वैल्यू हमारी 30 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा की वैल्यू 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 150 डिवाइड बाई 60 का होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाई एंगल है हमारा रिटर्न एंगल 150 मल्टीप्लाइड बाई पाई डिवाइड बाई 180 का स्क्वायर। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी हमारी वो आएगी 4.32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये हमारा एक्सीलरेशन रिटर्न के लिए कैलकुलेट हो जाएगा। सो ओके स्टूडेंट, आज आपको इन सभी की प्रैक्टिस करनी है, बहुत आसान है, केवल आपको बनाना है। और जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे नहीं तो ये क्वेश्चन हमारे होते नहीं है, बनते नहीं है। मीन्स आप देखते रहोगे और इसके बाद अगर आप इसको सॉल्व नहीं करते हैं, बनाते नहीं हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है बनाना। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत आसान है बनाना। ओके, थैंक यू।